जी, तो थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल गया है कि आज मैं आपको हुडेड आइज़ की टेक्निक सिखाने वाली हूँ, जिससे आपकी आइज़ जिससे आपका विंग लाइनर बहुत ही प्रोमिनेंट लगेगा और आपकी आइज़ भी बड़ी बड़ी लगेंगी। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्यूटोरियल तो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको आगे आगे समझाती जाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पता चलता जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ, ताकि हमारे कोई भी शेड अप्लाई करने से पहले हमारा कैनवस रेडी हो और हमारी आईज़ बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइम हो, और जो भी हम इस पे शेड लगाएं वो बहुत अच्छे से इन्हांस हो के आए। अब मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर ब्रश की हेल्प से। आप भी कंसीलर ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर वाली साइड से भी अपना कंसीलर ब्लेंड कर लिया है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक विंग लाइनर, नॉर्मल विंग लाइनर अप्लाई किया है, लेकिन वो हुडेड आइज़ होने की वजह से हमारा विंग लाइनर प्रोमिनेंट नहीं है, और इस तरह से हमारा बहुत आइज़ का आधा पार्ट तो हमारा हुड कवर कर लेता है, तो हमारा वो विंग जो होता है वो छुप जाता है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे विंग एंजॉय कर सकते हो अपनी हुडेड आइज़ पे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे आपने एक एंगल ब्रश ले लेना है और आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने बिल्कुल आउटर पार्ट पे, जैसे कि आप लोग विंग लाइनर अप्लाई करते हो, बट आपने यहाँ पे एक डार्क ब्राउन शेड से अपना विंग क्रिएट करना है। देन उसको हमने जितना आपने उसको बड़ा रखना है या लंबा रखना है आप उतना उसको रख सकते हो। वैसे हुडेड आइज़ पे इसी टेक्निक से आप करेंगे तो आपकी आइज़ बड़ी बड़ी लगेंगी। देन हम एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस ब्राउन शेड को हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपने कोई भी लाइनर ले लेना है और आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वो भी विंग की तरह ही ड्रॉ करनी है, और नॉर्मली ड्रॉ कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसको भी हल्का सा ब्लेंड ही करना है इसके साथ। अब हमने एक अच्छी सी विंग लाइनर ड्रॉ कर ली है, देन अब मैं उसी पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस विंग लाइनर को ब्लेंड कर दूंगी। हम इसी शेड को ब्लेंड करते रहेंगे जब तक हमारा एक स्मोक्ड लुक नहीं आ जाएगा। हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन हम एक ब्राउन शेड को लेकर अपनी क्रीज लाइन से ऊपर वाली साइड पे, आपने क्रीज लाइन से बाहर रखना है ब्रश को, और आप लोगों ने एक अपनी क्रीज लाइन बनानी है। यही वो टिप है जिससे आपकी आइज़ बड़ी लगेगी। आपने अपने हुड के अंदर ही शेड को अप्लाई नहीं करना, आपने अपने हुड के बाहर शेड को अप्लाई करना है, ताकि आपकी आइज़ खुली खुली लगें। यहाँ पे अब मैं इस शेड को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा शेड पैक ना लगे, अच्छे से ब्लेंड होगा तो ही हमारा लुक अच्छा लगेगा। आपने अच्छे से ब्लेंड करना है, आपने ब्लेंडिंग को टाइम देना है। देन हम एक फ्लफ़ी ब्रश लेके, ब्लेंडिंग ब्रश लेके, लाइट से ब्राउन कलर लेके ना अपना ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि उसकी जो हार्श लाइन बनी है वो ब्लेंड हो जाए। अब उसके बाद हम अगेन पेंसिल ब्रश लेके अपने लाइनर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे, ताकि जो ब्लेंडिंग में जो लाइनर का शेड डल हो गया था उसको आप दोबारा से इन्हांस कर लेंगे। आप कोई भी शिमर शेड ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डल गोल्ड सा शिमर लिया है, और आपने ब्रश की हेल्प से विंग के ऊपर तक आपने लगाना है, और ब्राउन शेड जहाँ मैं आपको बता रही हूँ उधर ही लगाना है। देन आपने अपने विंग लाइनर को और नीट कर लेना है और उसको ब्लेंड कर देना है, ताकि आपके लाइनर की लुक और शार्प हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए। देन हम लोअर लैश लाइन पे सेम वही ब्राउन शेड लगाएंगे। आई लुक कंप्लीट करने का ये स्टेप लाजमी है, आप लोग नीचे लोअर लैश लाइन को छोड़ना दीजिएगा। देन हम वाइट काजल अप्लाई करेंगे। वाइट काजल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी आइज़ खुली लगती हैं और बड़ी बड़ी लगती हैं। देन इसके बाद हम लैशेज अप्लाई नहीं कर रहे आज हम सिंपल मस्कारा अप्लाई करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके।
और अच्छे से आप लोग सीख पाएँ। यहाँ पे मैं आईज़ को थोड़ा सा और पॉप करने के लिए, जो सबसे पॉप आउट कलर है ना आपने, वो अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करना है और अपने टियर डक पे अप्लाई कर लेना है। अब डिफरेंस आप लोगों के सामने है कैसे हमारी हुडेड आईज़ भी अच्छी लग सकती हैं और बड़ी लग सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।